बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। मैं हूँ हिरा और आप देख रहे हैं सुपर कुक। सुपर कुक में आज हम बना रहे हैं झटपट तैयार अफ्तार रेसिपी। आज हम बनाएंगे गाजर की खीर, जिसे आप गजरेला भी कहते हैं। तो चले आए हमारे साथ और देखें। यहाँ मैंने आधा किलो गाजर लिए है, इसको मैंने काट लिया है छील के, तो इसको मैंने थोड़े छोटे टुकड़ों में कर लिया है। और अब मैं इसको जो है चॉपर के अंदर चॉप कर लूँगी जस्ट। और कितना चॉप करना है ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो इतना हमें इसको चॉप करना है। अब हम तैयारी करते हैं अपने दूध के लिए। तो यहाँ मैंने पतीले के अंदर 1 लीटर दूध डाल दिया है। ये फुल क्रीम दूध है। इसके अंदर अब मैं यहाँ पर सफ़ेद इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने आधी प्याली चावल सोख करके रखे हैं 2-3 घंटे, और इसको मैं अब इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ दूध में। और ये वही वाला गाजर का जो है क्रश किया हुआ है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1/2 कप चीनी भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं सूजी ऐड कर रही हूँ 5 टेबल स्पून, इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। इसके बाद इसके अंदर मेवे जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे बादाम और पिस्तों का पाउडर कर लिया है। 10 मैंने पिस्ते लिए हैं और 10 ही मैंने बादाम लिए हैं। इसको डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करना है आपको। अब इसके अंदर मैं 1 कप फुल फैट क्रीम डाल रही हूँ। ये नॉर्मल क्रीम है, स्वीट क्रीम नहीं है ये। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। चावल जो है वो हमारे पक चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। एंड में हम इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून, और इसकी जो थिकनेस है वो इतनी होनी चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं। 1 लीटर मैंने दूध लिया है, तो दूध इसके अंदर 1/2 लीटर बच गया है, और ये इस तरीके का थिक होना चाहिए। अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे ठंडा करके। फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे तैयार हुआ है गजरेला और गाजर की खीर, जिसे कहते हैं। तो लीजिए, तैयार है बहुत ही ज़बरदस्त सी गाजर की खीर, जिसे आप गजरेला भी कहते हैं। उम्मीद है आपको ये झटपट तैयार अफ्तार रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और देखते रहें सुपर कुक। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।